हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक के एजुकेशन में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2019 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम चालू हो चुके हैं और कई शिफ्ट के एग्जाम लग भी चुके हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, प्रीवियस कट ऑफ की बात करेंगे, टायर वन और फाइनल कट ऑफ में कितना अंतर रहता है, इस बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम के फुल एनालिसिस करेंगे, नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ एसएससी एमटीएस एग्जाम तथा अन्य गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हर नई अपडेट सबसे पहले उपलब्ध कराई जाएगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके एग्जाम रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न की सबसे पहले बात करते हैं, तो वही पहले वाला पैटर्न आ रहा है। दोस्तों बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ देखिए चार सब्जेक्ट आ रहे हैं, इंग्लिश, रीजनिंग या जीके और मैथ। ठीक है दोस्तों, वही एग्जाम पैटर्न है, लेकिन इस बार 150 की बजाय 100 नंबर का पेपर हो रहा है, तो कट ऑफ 100 में से जारी की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की, तो ये देखिए दोस्तों, इंग्लिश की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके के 25 और मैथ के 25 क्वेश्चन। दोस्तों पेपर के लेवल की बात करते हैं, यहाँ तो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है, न ज़्यादा टफ और न ज़्यादा ईजी। बात करें पेपर इंग्लिश की, तो दोस्तों आराम से आप 25 में से 15 से लेके और 20 क्वेश्चन तक कर सकते हो। रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों 25 में से आप 20 से 25 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और जीके की बात करें तो यहाँ भी दोस्तों आप 20 क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हो। मैथ की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ 25 में से आराम से 20 और 25 के बीच में क्वेश्चन हल कर सकते हो। दोस्तों इस हिसाब से पेपर के लेवल की बात करें, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का पेपर है, न ज़्यादा टफ और न ज़्यादा ईजी। तो दोस्तों कट ऑफ की बात करते हैं, इस बार कट ऑफ क्या रह सकते। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस की प्रीवियस कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2016-17 की टायर वन की कट ऑफ क्या रही थी, इस बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी जनरल की कट ऑफ। देखिए दोस्तों, यहाँ 110.50 इसकी कट ऑफ रही थी। ओबीसी की बात करते हैं, वहीं 101 इसकी टायर वन के लिए कट ऑफ थी। एससी की बात करें तो 100.50 इसकी कट ऑफ रही थी। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो, ओबीसी और एससी में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, डेढ़ नंबर का अंतर है केवल। वहीं एस टी की बात करें, 87 इसकी कट ऑफ रही थी। और एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो 49.50 इसकी कट ऑफ रही थी। तो दोस्तों ये थी 2016-17 की टायर वन की कट ऑफ। दोस्तों अगर ये कोई फिक्स नहीं है कि आप यहाँ से जो टायर वन की कट ऑफ के मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जी नहीं दोस्तों, इसके बाद में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसके बाद में इसकी फाइनल कट ऑफ निकलेगी, उसके बाद में तय होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों इस बार इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये जो कट ऑफ थी, ये 150 में से निकली हुई थी, क्योंकि दोस्तों जो पिछली बार का पेपर हुआ था वो 150 नंबर का हुआ था, इस बार जो पेपर है वह केवल 100 नंबर का पेपर हो रहा है। तो दोस्तों इस बार इसकी 100 में से क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या संभावित कट ऑफ रह सकती है, फाइनल कट ऑफ और इसकी टायर वन की कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2019 की संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, टायर वन और फाइनल कट ऑफ के बीच में क्या अंतर रहने वाला है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी जनरल की, तो यहाँ देखिए जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, टायर वन का कट ऑफ देखिए 70 से 74 के बीच में, और वहीं फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं 78 से 82 के बीच में। दोस्तों अगर आपके 70 और 74 नंबर के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओबीसी की बात करते हैं, वहीं 65 से 70 के बीच में, और फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो 74 से 79 के बीच में। वहीं एससी कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो टायर वन की कट ऑफ की बात करते हैं तो 63 से 67 के बीच में, वहीं फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो 70 से 75 के बीच में। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, टायर वन की कट ऑफ देखिए 60 से 65 के बीच में, वहीं फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो 68+। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी एसएससी एमटीएस की संभावित कट ऑफ, टायर वन और फाइनल कट ऑफ। तो दोस्तों अगर टायर वन के आपके इन नंबर्स के बीच में आ रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन फाइनल कट ऑफ इससे काफ़ी बढ़ सकती है दोस्तों। तो आपका सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो ये देखिए, इन नंबर्स के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आपके सेफ स्कोर माना जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार जो इसकी भर्ती हुई थी एसएससी एमटीएस की, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में अभी भी कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, एसएससी एमटीएस 2019 में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो दोस्तों नो टेंशन रही है, आपके नंबर पूरी तरह से बढ़ने के चांसेज है, और जो दोस्तों ये नंबर बढ़ते हैं आपकी एक्यूरेसी के आधार पर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो आपकी जो कट ऑफ स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, ये कट ऑफ कोई फिक्स कट ऑफ नहीं, संभव कट ऑफ है। दोस्तों जो ये कट ऑफ है, जो एसएससी की अभी तक की एग्जाम लगी है जितनी शिफ्ट में, और स्टूडेंट्स के रिव्यू के आधार पर तैयार की गई है। दोस्तों ये कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है,
और जैसे ही इसकी SSC MTS की पूरी एग्जाम हो जाती है तो आपको फिर से इसकी संभावित कट ऑफ हमारे चैनल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।